हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। इसके पहले हमने जितने भी क्लासेस की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपकी सारी क्लासेस ऐड हैं, ठीक है ना। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपके वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य कहाँ के, बिहार के, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करूं अगर मैं तो यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं ये देखेंगे। वन्य जीव अभयारण्य तो पहला है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपका मुंगेर में है। दूसरा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में है। राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य ये आपका राजगीर नालंदा में स्थित है। दूसरा है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका कैमूर और रोहतास के सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। फिर आपका आता है रजौली वन्य जीव अभयारण्य। रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा जिले में स्थित है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है, इसे ध्यान में रखेंगे। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर आपका कोशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा में स्थित है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। नकती बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है, ठीक है ना। फिर है नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। तो नकती और बांध जो नागी है इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर दिया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फिर है कंवर झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय में है, ये TRE-2 में आया हुआ था, ठीक है ना, कंवर झील। फिर है आपका विक्रमशिला, ठीक है, गांगेर डॉल्फिन आश्रयी ये भागलपुर में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आप राजस्थान के उदयपुर मत जाइएगा, ये बल्कि ये पश्चिमी चंपारण में है बिहार के। तो ये सारे के सारे पक्षी अभयारण्य आपके यानी वन्य जीव अभयारण्य थे, ठीक है ना, वन लाइनर। अब हम बात करते हैं गोगाबिल पक्षी अभयारण्य की। तो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य की अगर बात करूँ, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, ये कटिहार से कितना 26 किलोमीटर दूर स्थित है। आर्द्र भूमि है गोगाबिल। तरह तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए शक्तिकालीन आवास माना जाता है, ठीक है ना, यह कार्य करता है। तो गोगाबिल जो पक्षी अभयारण्य है कटिहार से आपका कटिहार में ही है 26 किलोमीटर स्थित, ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभी आपने देखा ये पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन इसकी स्थापना जो होती है 1990 में, सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास ये स्थित है, ठीक है ना। उत्तर में नेपाल के रायल चितवन नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है ना, उत्तर में एक, और पश्चिमी रेलवे जिले पर हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। कौन, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसमें जानवर कौन कौन से हैं, बाघ, चीतल, स्लॉथ, बियर, सांभर, भेड़िया, नीलगाय, हिरण, चीते और जंगली कुत्ते भी हैं यहाँ पे, फिफोल, एक सिंह वाले राइनोसोरस, भारतीय भैंसे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो कि मुंगेर में हमने देखा। ये मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। कौन, भीम बांध गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। चीर सिंह वाले एंटीलोप, सांभर और वन्य भालू ये पाए जाते हैं मुंगेर के भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य में। इसके पास कई पर्यटक स्थल भी हैं, ऋषिकुंड, सीताकुंड, रामेश्वर कुंड और खड़क झील, ये सभी के सभी कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है ना। अगला है आपका राजगीर चिड़ियाघर सफारी, तो ये राजगीर में स्थित है। 26 मार्च 2021 को नालंदा जिले के राजगीर में, ठीक है ना, चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा, ठीक है ना, सीएम के द्वारा ये 2021 में 26 मार्च को उद्घाटित किया गया था। और बिहार की पहली चिड़ियाघर सफारी है ये, ठीक है ना। राजगीर चिड़ियाघर सफारी बिहार का पहला चिड़ियाघर सफारी है। और 5 जंगली जानवर इसमें पाए जाते हैं, जानवरों की जो प्रजाति पाई जाती है, शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर, ठीक है ना। अब है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, इसमें आपके कौन कौन से हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 1978 में 35.84
वर्ग किलोमीटर के राजगीर अरण्य क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, ठीक है ना। गर्म पानी के कई झरने हैं यहाँ पर, इन झरनों में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य में हाइना, बार्किंग डियर और नीलगाय ये सभी जानवर पाए जाते हैं। 82 राष्ट्रीय जो 82 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग है राजगीर वन क्षेत्र में से जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की, तो कैमूर वन्यजीव जो अभयारण्य है ये शाहबाद प्रभाग के तहत कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। किस भाग में, प्रभाग में शाहबाद। इन क्षेत्रों में बाघों का आना जाना लगा रहता है। ब्लैक बक, नीलगाय, चिंगारा, जंगली सुअर, हाइना, स्लॉथ बियर, ठीक है, बाघ, चीते ये सभी पाए जाते हैं। कैमूर में जो है राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, ठीक है, जो कि अभी प्रोसेस में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से आर्द्र भूमि है ये पूरा का पूरा, और गंडकी नदी के बाढ़ के मैदान में एक बैल झील पर स्थित है, ठीक है ना। जंगली बिल्लियाँ, चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि मुंगेर में स्थित है। गंगा नदी से कहलगांव तक 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए यह एक सुरक्षित आवास बनाया गया है। एक डॉल्फिन वेधशाला स्थापित करने की योजना बना रही है, ठीक है ना। तो सारे के सारे आपके वन्यजीव अभयारण्य थे बिहार के, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। कैसी लगी क्लास कमेंट की ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन्हें जोड़िए। मिलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।